हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आस्क बुड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और यहाँ पे सभी बच्चों को वेलकम है आस्क बुड में। और आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, मस्त है कि नहीं है। चलिए सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद से हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका रिविजन कराने वाले हैं। रिविजन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन चुन के लाया गया है ओनली बुक से, यानी बुक से आपको 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप लोग इसको तुरंत याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा। और बाबू, आपको एक बात याद रखना है कि आज 10 बजे से आपका क्या होने वाला है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक समाप्त होने वाला है, ठीक ना? तो जितने सारे स्टूडेंट है ना, आज सबके सभी स्टूडेंट को आना है, प्लीज आज सबके सब स्टूडेंट को आना है केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक खत्म करने के लिए वन शॉट में 2009 से 2023 तक का। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू कर देते हैं। आप लोग आइए फटाफट से यहाँ पे और एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि प्यारे बच्चों जितने सारे स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट क्या हो सके, आ सके। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो बाबू, एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा सर के लिए, क्योंकि आज बहुत मेहनत करने वाले हैं आप लोगों के लिए। बहुत दिन से मेहनत चल रहा है लेकिन आज बहुत ज्यादा ही मेहनत होगा। तो यहाँ पे एक बार वीडियो को तुरंत आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। इतना काम करने के बाद से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। बाबू नंबर नोट कीजिए, फटाफट से नंबर नोट कीजिए प्यारे। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ आप चलिए बाबू, यहाँ पे आज सुबह का तो क्लास हो जाएगा, ये इंग्लिश का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद से आपको क्या करेंगे, केमिस्ट्री का 2009 से 2023 तक का यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। आप लोग एकदम रेडी रहिएगा। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पे आइए कि एंटोन चेकोव वाज, यानी जो एंटोन चेकोव थे बाबू, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ के थे। और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मार देते हैं एन अमेरिकन, और यही गलती प्यार बच्चों आपको भारी पड़ जाता है एग्जाम में। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि एंटोन चेकोव कहाँ के थे, तो बाबू एंटोन चेकोव कहाँ के थे, तो ये रशियन थे बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है। कहाँ के थे बाबू, तो ये रशियन थे। तो पहला का क्या हो गया, रशियन, तो रशियन यहाँ पे आपको राइट मारना है बाबू, बिल्कुल घबराइएगा मत, एक एक क्वेश्चन आपको सही बताया जा रहा है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की पैरेलल एस बक वांस रिटन द लेसन, यानी पैरेलल एस बक ने कौन सा लेसन लिखा है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कि यहाँ आप देखिए, पैरेलल एस बक वांस रिटन द लेसन, तो ये चार्ल्स बोर्न की लेखिका कौन है बाबू, जर्मन ग्रीर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए द आर्टिस्ट का क्या हो जाएगा, सिंगानोया हो जाएगा, तो ये भी नहीं होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया टॉट ए ट्रेबल साई, उन्हीं के लेखक कौन है, पैरेलल एस बक है, यानी हमारा क्या होने वाला है बाबू, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूछेगा आई एब ड्रीम के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा मार्टिन लूथर, यहाँ पे क्या होगा, किंग जूनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बाबू, इंडियन थॉट ट्रेबल साई। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग फटाफट से याद रखिएगा। अगला आ जाएगा लोमो 1 2, यानी जो लोमो था बाबू वो क्या चाहता था, लोमो बाबू क्या चाहता था, तो लोमो जो था ना बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोमो लोमड़ी को चाहता था। लोमड़ी कौन थी, तो बाबू लोमो जो थे ना प्यार बच्चों, वो लोमड़ी यानी कहने का मतलब नतालिया को चाहता था, और नतालिया से वो शादी करना चाहता था, यानी कहने का मतलब यह है कि लोमो वांटेड टू, तो बाबू लोमो वांटेड टू, तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि लोमो वांटेड टू लोमड़ी, लोमड़ी कौन थी, तो बाबू यहाँ पे नतालिया, और क्या करना चाहता था नतालिया से, नतालिया को तो मारना नहीं चाहता था बाबू, बहुत प्यार करता था, तो वो क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न चीट करना, न नॉन ऑफ दिस, क्या, नतालिया से शादी करना। तो बाबू यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये भी आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अगला आज ये कि हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न, फटाफट से ए चाइल्ड इज बोर्न की लेखिका कौन है, जबकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बताया जा रहा है, इसमें से तो 4-5 क्वेश्चन कन्फर्म है कि लड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न, बाबू इस चाइल्ड इज बोर्न की लेखिका कौन है, आपको पता है बाबू कौन है, जर्मन ग्रीर, कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, जर्मन ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि द टीचर हु कैच सिबेई डूइंग द गार्ड्स विद द क्लास, यानी जब टीचर क्या करता है, सिबेई को पकड़ लेता है किसके साथ, ये गार्ड्स के साथ। और गार्ड्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार का फल है। जब यहाँ आप देखिए, जब टीचर पकड़ लेता है सिबेई को कहाँ पे, तो क्लासरूम में किसके साथ, तो गॉड्स के साथ। तो यहाँ देखिए वो क्या करता है, तो बाबू यहाँ आप देखिए वो क्या करता है, अप्रिसिएट तो नहीं करेगा, यहाँ देखिए डी अप्रिसिएट भी नहीं किया, वो क्या किया, पनिश्ड किया, उसे दंडित किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दंडित,
डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन की है, मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, यानी मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आज मैराथन लेना था ना इसलिए 30 ऑब्जेक्टिव बुक का ही ला दी, अगला इंग्लिश में ग्रामर और नामर्स मिला के 50-60 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही पक्का का पक्का। ये देखिए क्वेश्चन है कि मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, तो मैरिज प्रपोजल किसने लिखा बाबू, तो यहाँ पे ना सिंगान हो या ना ब्रिटेन रूसल, एंटोन चेखव का लिखा हुआ है। किसका बाबू, एंटोन चेखव, एंटोन चेखव का क्या लिखा हुआ है, मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे 6 का क्या मारिएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन मारिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। करते चलिए अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए किंग इज रिगार्डेड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्या थे, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो महान क्या थे, तो पहला वो वक्ता थे बाबू, क्या थे, वक्ता थे, वक्ता का मतलब क्या, ओरेटर थे, और दूसरा क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, मानव कल्याण कार्यकर्ता थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे ना वो क्या थे बाबू, ग्रेटेस्ट क्या थे, तो देखिए इसमें एरोटर दिया है, ओरेटर यानी क्या, एक महान वक्ता थे, और प्यारे बच्चों क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी यहाँ पे क्या होता है, मानव कल्याण अभिकर्ता, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ओरेटर सिर्फ दिया है, यहाँ पे क्या दिया, सिविल राइट एक्टिविस्ट नहीं दिया, तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ओरेटर पे टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, एची बिट्स वाज बोर्न इन, यानी एची बिट्स, यहाँ देखिए एची बिट्स का जन्म, द स्नेक के, द अर्थ के लेखक कौन है, द अर्थ के लेखक कौन है, तो द अर्थ के लेखक हो गए हमारे एची बिट्स, द अर्थ के लेखक एची बिट्स। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए एची बिट्स जो थे इनका जन्म कब हुआ था, फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए, एची बिट्स वाज बोर्न इन, तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि एची बिट्स का जन्म, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में एची बिट्स का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, और इन्होंने कौन सा लिखा, द अर्थ के लेखक एची बिट्स। तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन बाबू याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि नानू काका वाज ऑथर्स, यानी जो नानू काका थे वो ऑथर्स के क्या थे, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि ये बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है तो सॉरी इसके लिए, लेकिन ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, 4 से 5 नंबर आपका क्लियर हो ही जाएगा। देखिए नानू काका वाज ऑथर्स, यानी नानू काका जो थे ऑथर्स के क्या थे, तो मैटरनिक अंकल, मैटरनिक अंकल का मतलब होता है मामा जी, क्या होता है बाबू, मैटरनिक अंकल, यानी कहने का मतलब क्या, मामा जी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे पेटरनिक नहीं थे, मैटरनिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन, तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखना कि जर्मन ग्रीर, ये प्यारे बच्चों ये चाइल्ड इज बोर्न की लेखिका है, जर्मन ग्रीर लेखिका है, और ऊपर से पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के थे, तो इनका जो जन्म हुआ था ना ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कहाँ पे बाबू, अमेरिका, अमेरिका नहीं हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और प्यारे बच्चों जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की ना, पूछा जा रहा है कि जो जर्मन ग्रीर है वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखने की, ऑस्ट्रेलिया से ही क्या की थी, शिक्षा को प्राप्त की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, बुक बापू आपको पूरा बढ़िया से पढ़ा देंगे, बुक का पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको करा सकते हैं पूरा बढ़िया से। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि द, यहाँ आप देखिए नेम ऑफ द जॉनसन सन वाज, यानी द नेम ऑफ द जॉनसन सन वाज क्या था बाबू, द नेम ऑफ द जॉनसन सन वाज, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या था, बेंजी था, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो बेंजी आप लोग मार दीजिएगा, किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। अगला आ जाएगी द अर्थ इज बाबू, अभी बताएं कि द अर्थ इज क्या है, द अर्थ इज के लेखक क्या है बाबू, द अर्थ के एची बिट्स, और जो द अर्थ है बाबू, तो यहाँ देखिए द अर्थ के लेखक कौन है, एची बिट्स। अब पूछा जा रहा है कि द अर्थ के बारे में बता रहे थे, अब यहाँ देखिए द आर्टिस्ट क्या है बाबू, तो ये सिंगानोया के द्वारा लिखा गया है, सिंगानोया के द्वारा, द आर्टिस्ट के लेखक सिंगानोया, और ये जैपनीज पोएट्री थे, और ये फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इन्होंने जितना भी लिखा है A to Z शॉर्ट स्टोरी ही लिखा है, यानी कहने का मतलब द आर्टिस्ट क्या होगा, एक शॉर्ट स्टोरी होगा, क्योंकि इसके जो लेखक थे ना, यहाँ पे आपको याद रखना है, जो सिंगानोया थे एक फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ओनली शॉर्ट स्टोरी वो लिखते थे, यानी क्या हो जाएगा, ये एक शॉर्ट स्टोरी होगा, लघु कथा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एंटोन चेखव वाज रिटन द लेसन बाबू, एंटोन चेखव का लिखा हुआ कौन सा है यहाँ पे, ये बताइए, एंटोन चेखव वाज रिटन द लेसन, अब यहाँ पे 13 का फटाफट से आंसर बता दीजिए, तो देखिए इसमें से सब आपको पता ही है कि ये किसने, जर्मन ग्रीड ने लिखा, द अर्थ के एची बिट्स हो गए, यहाँ देखिए द आर्टिस्ट के सिंगानोया हो गए, तो बचे हमारे कौन, तो बाबू यहाँ पे ए मैरिज प्रपोजल, और मैरिज प्रपोजल किसने लिखा था, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखने की, एंटोन चेखव ने लिखा था, तो ये भी क्वेश्चन के लिए हो गया ना, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है। अगला आज ये कि आप देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड, यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे उनकी हत्या कब कर दी गई थी, तो बाबू यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझना होगा कि पहले तो अप्रैल 4 को, ये आप लोग याद रखिएगा, 4 अप्रैल को
यहाँ देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, प्यारे बच्चों उनको जो यहाँ देखिए भाषण के लिए नोबेल प्राइज मिला था ना, तो उनकी यहाँ देख कब मिला था, 1964 में बाबू, कब 1964 में मिला था क्या नोबेल प्राइज यहाँ पे मिला था, क्या कह रहा था प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूर से पेन से लिखना पड़ता है ना, नहीं तो खींच लेता है। चलिए यहाँ पे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1964 में, और 4 अप्रैल प्यारे बच्चों का 4 साल बाद इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो हत्या की गई थी बाबू 4 अप्रैल कितना को, तो 1968 को इनको क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार मिला था 1964, ठीक 4 साल बाद इनकी हत्या कर दी गई, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ देखिए जर्मन ग्रीड हैज राइट ए लेसन, यानी जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया लेसन कौन सा है, ये लेसन से ही ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूर पूछेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने कि जर्मन ग्रीड वाज रिटन, यहाँ देखिए द लेसन, यानी जो जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया लेसन कौन सा है, ए चाइल्ड इज बोर्न, हम आपको बताएं ना, ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन, जर्मन ग्रीड, बहुत बढ़िया, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिनकी पढ़ाई कहाँ पे पूरी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, बहुत आसान क्वेश्चन है, द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, यानी द अर्थ के लेखक कौन है, द अर्थ के लेखक कौन हो जाएंगे, एच ई बीट्स हो जाएंगे, एच ई बीट्स, एच ई बीट्स आपको याद रखना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाएगी डैश इज द डॉटर ऑफ चोकोबो, यानी कौन थी जो चोकोबो की बेटी थी, तो वही प्यारे बच्चों कौन, लोमड़ी, आपको पता है बाबू लोमो की प्यारे बच्चों क्या, लोमड़ी, यानी कहने का मतलब क्या है, डैश इज द डॉटर ऑफ चोकोबो, यानी चोकोबो की लड़की कौन थी, तो नतालिया थी, तो यहाँ पे क्या करना है, नतालिया, नतालिया यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट मार देना है, तो यहाँ पे नतालिया आप लोग बिल्कुल सही मार दीजिएगा। अगला आज ही क्वेश्चन कि सिंगा नोया वाज बोर्न, अब बताइए ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है ना, सिंगा नोया इज बोर्न, सिंगा नोया का जन्म कब हुआ था, सिंगा नोया का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिंगा नोया का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, यहाँ पे 1883 में हुआ था सिंगा नोया का जन्म, कहाँ पे, तो जापान में, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए जर्मन ग्रीड इज डैश राइटर, ये बताइए जो जर्मन ग्रीड है वो कहाँ की लेखिका है, देखिए यहाँ पे देखिए इंडियन है तो इंडियन नहीं है, यहाँ देखिए अमेरिकन बहुत सारे बच्चे मारते हैं तो अमेरिकन नहीं मारना है, ब्रिटिश भी नहीं मार रहे, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की थी, जन्म ही उनका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और यहाँ पे एजुकेटेड भी वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही हो जाएगा। चलिए बेंजी वाज द सन ऑफ, बाबू क्वेश्चन है कि द बेंजी वाज द सन ऑफ, तो बाबू जो बेंजी था किसका पुत्र था, तो जॉनसन का, द बेंजी वाज द सन ऑफ किसका, जॉनसन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा, द बेंजी था वो जॉनसन का पुत्र था। अगला आज ये क्वेश्चन कि लोमो इज डैश ईयर ओल्ड, यानी जो लोमो था वो कितने साल का था, तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखने की 35 साल का था, ये क्या था, लैंड ओनर था एक, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, बाबू यहाँ देखिए जो रेशियल है किसके यहाँ पे खिलाफ है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ह्यूमन राइट, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए आप देखिए ही वाज ए सेलिब्रेटेड जैपनीज, यानी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेलिब्रेटेड जैपनीज कौन है, बाबू सेलिब्रेटेड जैपनीज कौन, तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि सेलिब्रेटेड जैपनीज हमारे कौन हो जाएंगे, सिंगा नोया, और जो सिंगा नोया थे वो क्या थे, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो सिंगा नोया थे ना वो प्यारे बच्चे क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ओनली शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जो द आर्टिस्ट लिखे हैं, यानी कहने का मतलब ही वाज द सेलिब्रेटेड जैपनीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जो सिंगा नोया थे वो क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स मानना है। अब देखिए 24 नंबर कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई, और हमारे पास टाइम पास का कोई चांस है नहीं है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का कोई चांस ही नहीं है कि और टीचर की तरह आए और 30 क्वेश्चन में 30 मिनट लगा दें, ऐसा कुछ मेरा माइंडसेट नहीं है, हमारा है कि टाइम बचाए, फटाफट आप लोग के लिए बचे, हम भी जल्दी जल्दी करा लें, ठीक ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, तो बाबू यहाँ देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हमारे डॉर्टी एस सैयर्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ के एच ई बिट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के क्या लिखा है, तो यहाँ देखिए भारत इज माई होम लिखा है, तो बचे कौन, तो यहाँ देखिए डॉर्टी एस सैयर्स। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ये पिंच ऑफ स्नूप इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो पिंच ऑफ स्नूप के लेखक कौन हो जाएंगे, तो बाबू कौन हो जाएंगे, मनोहर मालगुनाकर, कौन है बाबू, मनोहर मालगुनाकर, पिंच ऑफ स्नूप, जिसमें नानू काका का प्यार बच्चों कहानी के बारे में बताया गया है, उनकी जो यहाँ आप देखिए जो चालाकी है उनके बारे में दिखाया गया है, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला आज ये क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए मैरिज प्रपोजल इज
डैश एक्ट प्ले, यानी ये जो मैरिज प्रपोजल है जो एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है, इसमें कितना एक्ट प्ले किया गया है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैरिज प्रपोजल है इसमें कितना एक्ट प्ले किया गया है, इसमें वन एक्ट प्ले किया गया है, वन एक्ट प्ले। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, और सॉरी माफी चाहते हैं कि आपको इतना आसान और रिविजन क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन अगला बार से आपके लिए इंग्लिश का 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर सहित, पक्का वादा है आपसे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, क्योंकि अभी हमको आज ही यहाँ पे 10 बजे से मैराथन लेना है, आप समझ लीजिए कि उतना 3-4 घंटा बोलना, औरों की तरह बाबू हम नहीं करते हैं कि बोल दी कि 7-8 घंटा का क्लास, उसमें 500 ऑब्जेक्टिव कराए 7-8 घंटा में। हमारा आप लोग स्पीड जानते हैं और समझाते भी हैं और बोलते भी बहुत हैं, यानी जल्दी जल्दी कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि हम लगातार काम करने वाले इंसान हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए द ऑथर हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट क्या हो जाएगा, तो बाबू जो ऑथर थे किसके बारे में लिख रहे थे, बाबू मिनिस्टर के बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सीबीआई वाज, यहाँ बाबू यहाँ देखिए सीबीआई को क्या कहा, जो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए जो मतलब जो ऑथर्स थे उसके सिंगान हो यहाँ, वो सीबीआई के क्या कहते थे, उसमें बोलते थे कि वो एक कलाकार है जिसकी कलाकारी को बड़े बड़े लोग कैसे दबा देते हैं। इस पाठ में यही है कि जो एक सीबीआई क्या होता है, बच्चा होता है जिसको कलाकार, यानी क्या होता है उसके पास आर्टिस्ट होता है कि जो गांड्स को क्या करता है बाबू, उसके साथ उसके बीज को निकाल के ऊपर साट देता था, वैसे ही करता था, वो फल था एक प्रकार का, जहां भी रहता था वो फल इकट्ठा करते रहता था। यानी यहाँ पे देख लीजिए कि सीबीआई वाज क्या था, तो यहाँ पे द आर्टिस्ट था, यानी किसके नजर में, तो जो ऑथर्स थे यानी जो लेखक थे उनके नजर में क्या था, यानी सिंगान होया के नजर में क्या था, एक आर्टिस्ट था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अब देखिए कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना, बाबू किसने लिखा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा, और पूछा जाएगा बाबू यहाँ पे कि मार्टिन लूथर किंग के कितने मतलब पुत्र थे, यानी संतान कितने थे, 4 थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, बिल्कुल यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग 100% याद रखिएगा। अगला आ जाइए बाबू कि पैरेलल एस वर्क एन ब्रेट, यहाँ देखिए पैरेलल एस वर्क इज एन राइटर, अब बता दीजिए जो पैरेलल एस वर्क थे वो कहाँ के लेखक थे, फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है जल्दी कि पैरेलल एस वर्क डैश राइटर, तो बाबू ये कहाँ कहते हैं, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन, चलिए हम आपको दे देते हैं क्या, ये HW दे देते हैं और देखते हैं कौन सा, चलिए छोड़िए अब HW, 30 में HW क्या है, ये अमेरिकन थे बाबू, तो अमेरिकन पे मार दीजिएगा, पैरेलल एस बक इज अमेरिकन राइटर्स, तो अमेरिकन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आज चल रहा है लाइव टेस्ट नहीं दिए हैं बाबू, तो फटाफट से लाइव टेस्ट दे दीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक भी कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, नंबर नोट कीजिए 9135-74-20-24, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से आप लोग जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़िए, आपको एग्जाम में जरूर हेल्प होगा। और उसके बाद से यहाँ आप दे लीजिए जाके ऑनलाइन टेस्ट भी दे लीजिए, और यहाँ पे आपको आना है 10 AM में प्यार बच्चों क्या होगा, केमिस्ट्री का 2009 से 2000 प्यार बच्चों कितना 23 तक का पूरा सोल्व कर दिया जाएगा। तो सभी बच्चे आइए, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, एनर्जी के साथ आइएगा और सबके सब बच्चे आइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।